मेरे प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में मैं डिस्कस करूंगा अपने BFM के 4 दिसंबर को जो हमारा परीक्षा हुआ था उसका रिकॉर्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। लोगों का रिक्वेस्ट आया कि प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू करें सेशन को। दोस्तों आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं आज 25 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा अपने BFM के। ये सेशन उनके लिए भी यूज़फुल है जो आगे BFM का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि BFM का सिलेबस वही है जो हमारा पहले से चलता आ रहा है। और साथ ही साथ जो 18 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं हमारे साथियों, उन्हें उनके लिए भी सेशन काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं जो अपने CIB का जो हमारा नया बैच है उसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक पेड प्लान है जो कि जून एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है AVM का, BFM का। इसके अंदर BFM में तो आपको पता ही है कि सिलेबस हमारा वही है, तो BFM के का हम लोग प्लान ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें मॉक टेस्ट का स्केड्यूल भी आ चुका है। इसमें आपको PDF थ्योरी वीडियोस, MCQs दोस्तों, एक पेड ग्रुप बनाया गया है प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, और आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, केस स्टडीज हैं, वो आपको मिलेंगे। यानी एक फुल्ली फेजर आपका प्रिपरेशन होगा, चाहे वो BFM का हो सेम AVM का हो। दोस्तों जैसे ही हमारा AVFM और BRBL का मटेरियल हमारे मार्केट में आएगा तो हम उसका भी प्लान स्टार्ट करेंगे। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन लोगों को केवल PDF की रिक्वायरमेंट है तो वो केवल इस प्लान को ऑप्ट करें, दैट इज़ प्लान विच कॉस्ट ₹300। इसमें आपको मैगुलन का अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, थ्योरी PDF, MCQs PDF सभी कुछ मिल जाएंगे। केवल PDF आपको गूगल ड्राइव से शेयर किया जाएगा। और मॉक टेस्ट प्लान है हमारे पास, इसके अलावा दोस्तों MCQ पेड प्लान है। चलिए दोस्तों, जिन लोगों को इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमारा इस साल जो दिसंबर में परीक्षा हुआ है उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है विच कैपिटल इज यूज टू एब्जॉर्ब फुल लॉस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे गए थे, तो आज हम लोग वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि किस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो किस कैपिटल, कौन सा ऐसा कैपिटल है जो कि फुल लॉस को एब्जॉर्ब करता है? Tier 2 कैपिटल, बोन कंसर्न कैपिटल, गोइंग कंसर्न कैपिटल, RNCPS। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लेट मी टेल यू, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, एक होता है गोन कंसर्न कैपिटल, ठीक है मैं आपको बता दूं, एक होता है दोस्तों गोन कंसर्न कैपिटल। तो गोन कंसर्न कैपिटल को हम लोग Tier 1 Tier 2 को कहते हैं, और एक होता है दोस्तों गोइंग कंसर्न कैपिटल, ये होता है हमारा Tier 1। तो Tier 2 जो होता है एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि लॉस को एब्जॉर्ब करेगा लिक्विडेशन के समय में, और Tier 1 कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि लॉस को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट लीडिंग टू बैंकरप्सी, बिना बैंकरप्सी किए। तो सबसे ज़्यादा लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है दोस्तों गोइंग कंसर्न कैपिटल का, जो कि हमारा होता है दोस्तों Tier 1 कैपिटल, राइट। तो इसीलिए आप ऑप्शन को देखें दोबारा, आपको मैं ऑप्शन दोबारा दिखाता हूँ। तो देखिए, लेट मी शो यू द ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा है गोइंग कंसर्न कैपिटल। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ये जो गोइंग कंसर्न कैपिटल है ये हमारा Tier 1 कैपिटल है, इसकी सबसे ज़्यादा लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। Tier 2 कैपिटल और गोइंग कंसर्न कैपिटल एक ही कैपिटल है, इसकी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि CRAR डज नॉट फुली कैप्चर विच रिस्क। तो दोस्तों बुक के अंदर से सवाल पूछा गया है कि CRAR किस रिस्क को कैप्चर नहीं करता है, स्ट्रेटजिक रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, सेटलमेंट रिस्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है A और D। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो हमारा CRAR है वो ना ही स्ट्रेटजिक रिस्क को कैप्चर करता है फुल्ली, और ना ही दोस्तों हमारा सेटलमेंट रिस्क को कैप्चर करता है, बाकी मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को ये फुल्ली कैप्चर करता है। सो ऑप्शन A and D आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि कौन सा कंट्री है जो कि एशियन क्लियरिंग यूनियन, आपको पता है दोस्तों ACU, ठीक है, एशियन क्लियरिंग यूनियन का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? सिंगापुर, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि ACU का मेंबर नहीं है। करेक्ट आंसर है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर इज नॉट अ मेंबर ऑफ ACU। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन वेयर आस्क, ईयर बेस्ड क्वेश्चन वेयर आस्क। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
गणेश क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 द टाइम पीरियड ऑफ नोटिस मनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो जवाब आपको देना ही है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो दोस्तों आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपसे BFM का पेपर निकल जाएगा। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन, वन डे, मोर देन वन डे, अप टू 14 डेज, मोर देन 14 डेज, मोर देन 15 डेज, बताइए नोटिस मनी का टाइम पीरियड कितना होता है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 से लेकर 14 दिन तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ 0 कूपन बॉन्ड द मॉडिफाइड ड्यूरेशन वुड बी डैश देन द टर्म ऑफ मैच्योरिटी। देखिए क्या है दोस्तों, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपका 0 कूपन बॉन्ड है, यहाँ पे कीवर्ड है 0 कूपन बॉन्ड, उस केस में जो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा और जो मैच्योरिटी का टर्म होगा उसमें क्या ज़्यादा होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा होगा या स्मॉलर होगा या सेम होगा या इनमें से कुछ भी। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है कि सेम होगा। तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट भी है, 0 कूपन बॉन्ड हम लोगों ने AVM में पढ़ रखा है, 0 कूपन बॉन्ड में कूपन अमाउंट नहीं के बराबर होता है, 0 होता है, तो उसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है और टर्म ऑफ मैच्योरिटी के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कि बॉन्ड 5 साल के लिए दिया गया तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज सेम एज द टर्म ऑफ मैच्योरिटी इन केस ऑफ 0 कूपन बॉन्ड, दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एज पर आर्टिकल 14 ऑफ UCPDC 600, क्या पूछा गया दोस्तों, UCPDC 600 का आर्टिकल नंबर 14, बैंक विल गेट ओनली डैश डेज टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज डॉक्यूमेंट। तो बैंकों को कितना समय दिया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना या रिफ्यूज करना, 5 डेज, 5 बैंकिंग डेज, 14 डेज, 21 डेज। बहुत अच्छा सवाल है, तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 बैंकिंग डेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मतलब UCPDC 600 का आर्टिकल 14 ये कहता है कि बैंक को 5 बैंकिंग डेज मिलेगा किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना या रिफ्यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू द वेयर हाउस इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया विद परमिशन ऑफ RBI, द एक्सपोर्ट बिल शुड बी रियलाइज विद इन डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड। मान लीजिए कि आज मैंने शिपमेंट कर दिया, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, आज मैंने शिपमेंट कर दिया, आज यानी कि आपका डेट है 14 दिसंबर, ठीक है। तो जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी वेयर हाउस में, ठीक है, जो कि इंडिया से बाहर इस्टेब्लिश्ड है RBI के परमिशन से, तो एक्सपोर्ट बिल जो है कितने महीना में रियलाइज हो जाएगा, ये सवाल है, 9 महीना में, 12 महीना में, 15 महीना में या 21 महीना में। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड। तो बताइए क्या सही जवाब है, आप लोग बताइए, प्लीज टेल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस टाइप ऑफ MCQs वी डिस्कस इन डे आवर डेली सेशन। जो लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में उत्सुकता रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो बेसिकली दिस वे द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और दोस्तों यदि हम 3-4 बार चीज़ को रिवाइज करेंगे ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आने वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो आगे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसमें इस तरह के क्वेश्चन डेली बेसिस पे करवाए जाते हैं। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लान्स। सो आपसे इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 मंथ। जब आप गुड्स को वेयर हाउस में एक्सपोर्ट करते हैं और वो वेयर हाउस जो कि भारत से बाहर इस्टेब्लिश है RBI के परमिशन के साथ, तो एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन 15 मंथ के अंदर होना चाहिए डेट ऑफ शिपमेंट के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वराइटीज ऑफ डेरिवेटिव टूल इज की टू मैनेजिंग मेनली। यानी आपके पास जो है डेरिवेटिव टूल बहुत सारा है, इससे आप क्या मैनेज कर सकते हैं, ट्रेजरी पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी ऑफ बैंक, करेंसी और इंटरेस्ट रिस्क, नन ऑफ द अबव, बताइए। आपके पास दोस्तों वाइड वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव टूल है, इसके अवेलेबल है, तो इसके आप क्या मैनेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसे आप करेंसी या इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव टूल, दैट यू कैन मैनेज करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि जो टॉलरेंस का जो लिमिट है, द लिमिट ऑफ टॉलरेंस लेवल फॉर रिस्क शैल बी अप्रूव्ड बाय। तो टॉलरेंस लेवल का लिमिट जो है, रिस्क टॉलरेंस लेवल का जो लिमिट है, वो कौन अप्रूव करेगा, MD एंड CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बताना है कि टॉलरेंस लेवल का लिमिट कौन अप्रूव करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये LC से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इंपोर्टर है, उसने 100 कार का ऑर्डर किया LC के अंतर्गत एक एक्सपोर्टर से, जो कि जिसे क्या करना है, भारत में डिलीवर करना है। समझिए दोस्तों, एक इंपोर्टर है, ठीक है, और ये हमारा एक्सपोर्टर है, इसने क्या बोला इसे कि मुझे 100 कार चाहिए, हाँ, और ये इंपोर्टर जो है भारत में, चलिए ठीक है। द एक्सपोर्टर स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आफ्टर सम टाइम एक्सपोर्टर वेंट टू बैंक फॉर सम कैश टू गेट हिज वर्क डन।
ठीक है। तो अब कुछ समय बाद जो वो जो एक्सपोर्टर है वो गया किसके पास, बैंक के पास गया, ठीक है, कुछ कैश चाहिए था उसको अपने काम को करने के लिए। बट व्हेन ही विजिटेड द बैंक सेड दैट इम्पोर्टर हैज आस्क्ड अस नॉट टू पे एनी मनी एंड इम्पोर्ट विल कैंसिल ऑर्डर। मतलब बैंक के पास जब वो गया एक्सपोर्टर, तो उस बैंक ने एक्सपोर्टर को ये कहा कि जो इम्पोर्टर है उसने मुझे कहा है कि कोई पैसा नहीं देने के लिए। तो एक्सपोर्टर ने क्या फिर क्या कहा, एक्सपोर्टर आस्क्ड फ्रॉम बैंक दैट ऑन व्हाट ग्राउंड द इम्पोर्टर इज कैंसिलिंग दिस ऑर्डर। द बैंक सेड दैट सिंस देयर इज नथिंग रिटन ऑन एलसी वेदर इट इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल, सो इम्पोर्टर कैन कैंसिल द ऑर्डर। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं लिखा हुआ है एलसी पे कि रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है, इसीलिए इम्पोर्टर जो है इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट को जरा देखते हैं, लेट अस सी द स्टेटमेंट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इम्पोर्टर इज करेक्ट हेयर एंड हेंस द ऑर्डर स्टैंड कैंसिल। बैंक एंड इम्पोर्टर आर रॉन्ग हेयर, इम्पोर्टर कैन कैंसिल द ऑर्डर एनी टाइम बट ही नीड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द एक्सपोर्टर। लास्ट स्टेटमेंट है द बैंक इज करेक्ट हेयर बिकॉज बैंक नीड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ इज कस्टमर इम्पोर्टर एंड द ऑर्डर स्टैंड कैंसिल। बताइए क्या सही जवाब है इसका, वट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैंक और इम्पोर्टर रॉन्ग इसलिए है कि यदि कुछ नहीं लिखा रहा था एलसी पे तो यूसीबीडीसी का गाइडलाइन है कि वो इरिवोकेबल माना जाएगा, तो यहाँ तो कुछ लिखा था नहीं है ना, इसीलिए ये जो आपका एलसी है वो इरिवोकेबल है, इसीलिए आप ऑर्डर कैंसिलेशन का दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, यदि आपको रिवोकेबल करना था देन इट शुड बी क्लियरली मेंशन राइट, बट इट नॉट मेंशन दैट इट इज इरिवोकेबल और रिवोकेबल, सो द इम्पोर्टर और बैंक हैज नो राइट टू कैंसिल दिस टाइप ऑफ ऑर्डर। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इन द केस ऑफ बिल इन फॉरेन करेंसी। आपके पास एक बिल है फॉरेन करेंसी में, उसका एनटीपी क्या होता है, व्हाट इज एनटीपी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। दोस्तों ये सवाल हमारा मॉड्यूल ए के यूनिट 5 से है, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, 14 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 25 डेज। दोस्तों हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, इट इज 25 डेज, एनटीपी इज पीरियड इज 25 डेज। बहुत ही आसान सवाल है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बिकॉज इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इट मींस यू कांट क्वालिफाई बीएफएम एग्जामिनेशन राइट। सो दीज आर सम इजिएस्ट क्वेश्चन व्हिच यू कैन गेट इन द एग्जामिनेशन, दीज आर जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ओके। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू द यूनिट नंबर 5 देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, इफ लोअर द रिस्क हायर विल बी वोलेटिलिटी लोअर विल बी रिटर्न, इफ हायर द रिस्क हायर विल बी वोलेटिलिटी लोअर विल बी द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर विल वोलेटिलिटी हायर विल द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल वोलेटिलिटी हायर रिटर्न, दिस इज रॉन्ग। दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, द लॉजिक इज वेरी सिंपल दैट हायर द रिस्क हायर विल बी वोलेटिलिटी एंड हायर विल बी रिटर्न। सो द करेक्ट कंसेप्ट इज दैट रिस्क राइट, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न, ठीक है, ये आपस में कोरिलेटेड है, रिस्क वोलेटिलिटी और रिटर्न आपस में कोरिलेटेड है ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीसी और ओडी अकाउंट इफ नो क्रेडिट इज डन फॉर मोर देन 90 डेज एंड अमाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट इज नॉट सफिशियंट टू रिकवर द इंटरेस्ट देन इट इज कॉल्ड। क्या कर रहा है दोस्तों, कि हमारा कोई कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है और यदि उसमें कोई क्रेडिट नहीं किया गया 90 दिन से ज़्यादा तक और अमाउंट जो अकाउंट में अवेलेबल है वो सफिशियंट नहीं है इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट, एनपीए अकाउंट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट, लॉस अकाउंट। बताइए सीसीओडी अकाउंट में यदि क्रेडिट नहीं है 90 दिन से ज़्यादा तक और जो अमाउंट अवेलेबल है वो उससे आप इंटरेस्ट को रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो इसे किस कैटेगरी में डालेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल है, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो हमारा यूरोपियन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है, कि जो होल्डर है वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है कब। ऑप्शन ए कर रहा है बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी कर रहा है एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी कर रहा है डे बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इन डेट और ऑप्शन डी कर रहा है डे आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इन डेट। बताइए तो यूरोपियन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का क्या मीनिंग है दोस्तों, तो यूरोपियन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का मीनिंग है कि आपका जो होल्डर है वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को कब, एक्सपायरेशन पे राइट, सो ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एक्सपायरेशन। दोस्तों आप लोग जो भी परीक्षा देंगे 18 तारीख को उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो तभी बना पा रहा हूँ जब जो लोग 4 तारीख को परीक्षा दिए थे उन्होंने क्वेश्चन शेयर किया था। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपसे यदि हो पाए तो आप इस नंबर पे मुझे जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्वेश्चन प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दें, यानी तो मेरा जो चैनल है सीआईबी मेड सिंपल का उसमें आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दें ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह का मैं हेल्प दे पाऊँ, इस तरह का क्वेश्चन सेट मैं बनाकर उन तक पहुँचा पाऊँ ताकि उनका भी प्रिपरेशन आसान हो जाए।
सो इफ यू वांट दैट ऑल द पीपल ऑल द रेस्ट एस्पिरेंट हु आर एस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट सीआईबी एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू हेल्प देम सो दिस इज द बेस्ट वे टू हेल्प देम व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट सेंड मी द रिकॉल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस नंबर ऑन 18th ऑफ दिस मंथ राइट सो दैट दिस मे बी यूजफुल फॉर अपकमिंग सीआईबी एस्पिरेंट ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन आर देयर इन ECGC ओपन कॉलेज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन टफ नहीं पूछा गया है विजिट में आसान क्वेश्चन है राइट लेकिन आपका कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा ECGC का जो ओपन पावर कैटेगरी है उसके अंदर कितने कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है 5 है 6 है 7 है या नन ऑफ दीज है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 7 राइट नाउ इंस्ट्रूमेंट हैविंग लोअर डिमांड हैविंग लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम आर एक्सपोज टू बताइए आपको ये बताना है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जिनके पास डिमांड कम है ठीक है और जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है वो कैसे रिस्क से एक्सपोज होते हैं ऑपरेशन रिस्क एसेट लिक्विडेशन रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रेडिट रिस्क दोस्तों बुक में साफ साफ लिखा हुआ है और हम लोगों ने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया था इसे कि वैसा इंस्ट्रूमेंट इसका कम डिमांड होता है इसका लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो एक्सपोज होता है हमारा लिक्विडेशन रिस्क से इसके लिक्विडेशन रिस्क से और मोर स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो वो है हमारा एसेट लिक्विडेशन रिस्क ठीक है तो इट इज एसेट लिक्विडेशन रिस्क टू विच इंस्ट्रूमेंट हैविंग लोअर डिमांड एंड हैविंग लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम आर एक्सपोज टू ऑप्शन नंबर बी दैट इज एसेट लिक्विडेशन रिस्क चलिए कंसेप्ट क्लियर है आगे बढ़ते हैं लेट अस मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 एन एग्रीकल्चरल लोन क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्रीकल्चरल लोन ग्रांट किया गया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उसको एनपीए कब ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली बात है आप उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट है वो अनपेड रहेगा लेकिन कितने दिनों तक अनपेड रहेगा दिस इज द क्वेश्चन यहाँ पे कीवर्ड है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप राइट और कीवर्ड है एनपीए तो एनपीए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कब तक अनपेड यदि इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट अनपेड है 1 crop season 2 crop season 3 crop season 1 year बताइए क्या सही जवाब है So the correct answer to this question is, let me tell you, what is the correct answer to this question? That is 2 crop season. यदि मान लीजिए किसी भी agricultural loan का जो भी grant किया गया है 100 duration crop के लिए NPA तक कहलाता है जब interest या installment जो है 2 crop season तक unpaid रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं Let us move forward to the next question. Question number 18. The outstanding balance in the CC or OD account. दोस्तों CC होता है cash credit, OD होता है overdraft, is less than the sanction limit. ठीक है But there are no credit continuously for 90 days और the outstanding balance in the CCOD account is less than the sanction limit ठीक है तो ऐसे account को क्या कहते हैं over out of order overdue over factor और last option है overdue factor कहता ये क्या कहते हैं ऐसे account को so it is called out of order account next is when a person buys and sell the foreign currency to take the advantage of interest rate difference it is called तो जब भी कोई आदमी foreign currency को खरीदता है या बेचता है ताकि वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस का एडवांटेज ले सके इसे क्या कहते हैं फ्यूचर स्वैप फॉरवर्ड नन ऑफ एबल तो एक आदमी फॉरेन करेंसी को खरीद रहा है बेच रहा है ताकि वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का एडवांटेज ले सके तो इसे हम लोग क्या कहते हैं इज इट कॉल्ड फ्यूचर इट इज कॉल्ड स्वैप इज इट कॉल्ड फॉरवर्ड सो इट इज कॉल्ड स्वैप राइट इसको हम लोग स्वैप कहते हैं दोस्तों स्वैप से भी सवाल कभी पूछा जाता है ठीक है व्हेन अ पर्सन बाइज एन ऑप्शन टू रिड्यूस रिस्क आर्बिट्रेज स्वैप हेजिंग स्पेकुलेशन तो जब भी पर्सन ऑप्शन को खरीदता है ताकि रिस्क को कम कर सकें इसे क्या कहते हैं आर्बिट्रेज कहते हैं स्वैप कहते हैं हेजिंग कहते हैं या स्पेकुलेशन कहते हैं तो इट इज कॉल्ड हेजिंग चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का सवाल और भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करूंगा जैसे मैं कलेक्ट करता हूं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप भी जो एग्जाम दे के आए तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें ठीक है ताकि आपका आप चाहते हैं कि आगे आने वाले सीआईबी एस्पिरेंट को मैं इसी तरह हेल्प कर सकूं तो उनका भी भला हो जाएगा चलिए तो यदि आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट रिक्वेस्ट धन्यवाद बने रहने के लिए यदि आपको सीआईबी पेड प्लान का मेंबर होना है यदि हमारे साथ जुड़ना है हमारे साथ सीआईबी को क्लियर करना है दोस्तों तो प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ पेड प्लान ओके विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और दोस्तों उसमें आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाएगी धन्यवाद